विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला हजारो भीमसैनिकांना घेऊन निघालेल्या विशेष रेल्वे गाडीनं सोलापूर रेल्वे स्थानकातून दादरकडे प्रयाण केलं. महामानवाला अभिवादन. विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला डॉक्टर आंबेडकर चौकातील पुतळ्यासमोर मेणबत्त्या प्रज्वलित करण्यात आल्या होत्या. त्रिरत्न बौद्ध महासंघाच्या वतीनं मेणबत्ती रॅली काढण्यात आली. रात्री उशिरापासून अनेक अनुयायी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी चौकात येत होते. भगवतो अरहतो शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि. मुंबईच्या चैत्यभूमीकडे निघालेल्या हजारो भीमसैनिकांच्या गर्दीनं सोलापूर रेल्वे स्टेशन भारून गेलं होतं. सोलापूर रेल्वे स्टेशनवरून ही विशेष रेल्वेगाडी दादरकडे सोडण्यात आली. यावेळी प्रवासी संघटनेच्या वतीनं रेल्वेगाडीला हार घालण्यात आला. गाडीसमोर सामूहिक बुद्धवंदना करण्यात आली. यावेळी रेल्वेचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक आर के शर्मा, टी सी असोसिएशनचे अध्यक्ष पंडित गायकवाड, रेल्वे स्टेशनचे व्यवस्थापक मीना, स्टेशन मास्तर सिंग, रेल्वे संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ जाधव, रेल्वेचे कमर्शियल इन्स्पेक्टर शिवशरण, आर सी यूचे अमर साबळे आणि भीम अनुयायी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. रेल्वेने ही जी स्पेशल ट्रेन चलाई थी उज्ज्वला दीनदयाल स्पेशल के विशेष कोच थे सिद्धापुर कोच थे और यात्रियों ने बड़े आनंद से अपनी यात्रा शुरू की है. जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हमारे मीडिया के बंधुओं ने भी देखा होगा, मैंने यात्रियों की सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा है और गाड़ी समय से कितनी बोगियाँ हैं. तीन गाड़ी गाड़ी 12 डब्बे की गाड़ी 12 डब्बे की. इसके अलावा कोई और गाड़ी आप छोड़ने वाले क्या? नहीं, इस गाड़ी में भी जैसा कि आपने देखा लोग बड़े सुविधापूर्वक और व्यवस्थित तरीके से बैठ के गए. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को यथोचित जगह मिल गई है. काफ़ी भर के गई है गाड़ी और लोग थे वो सब उसमें बैठ के गए. संघं शरणं गच्छामि